एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मदर्स डे आने वाला है, तो उसकी वजह से हर वेबसाइट पे सेल चल रही थी। नायका पे हॉट पिंक सेल चल रही थी, अमेजोन पे समर सेल चल रही थी और पर्पल पे भी मदर्स डे की सेल चल रही थी, जिसमें कि अप टू 50% अप टू 75% ऑफ चल रहा था कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में। जब चल रही थी सेल, तो फिर यार कौन ही अपने आप को रोक पाता है। मैंने भी कुछ नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी, तो उसी का हॉल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज। और ये हॉल बहुत बड़ा ना हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी हैं, तो इस हॉल को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। आज पार्ट वन है, जिसमें जितना भी मैंने मेकअप से रिलेटेड चीज़ें ऑर्डर करी हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इट्स फ्री यार। इसमें हमेशा ही ऑफर रहता है, ये फ्री रहता है, तो सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन है उसके बगल में, उसको हिट कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, मेरे को भी मालूम चलता रहे कि आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। मैं उसको ना, जैसे ही मैं गई पर्पल पे शॉप करने के लिए, मेरी जो सबसे पहले नज़र पड़ी है ना, वो लिपस्टिक्स पे पड़ी है। NYB पे ऑफर था कि अगर आप 10 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज करते हो, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा सारे प्रोडक्ट्स में। अदरवाइज लिपस्टिक्स में कुछ में 25 और बाकी में 35% का ऑफ था, और कुछ एक प्रोडक्ट्स में 40% का भी ऑफ था। बट अगर आप 10 प्रोडक्ट्स से ज़्यादा परचेज करते हो वन टाइम पे, तो आपको 50% का ऑफ मिल रहा था। तो मैंने भी हाथ मार दिया, मैंने देखते हैं फिर कौन कौन सी लिपस्टिक्स हैं। सबसे पहले ना मेरी नज़र गई थी लिक्विड लिपस्टिक्स पे। NYB की लिक्विड लिपस्टिक्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ चल रहा था। जब ये लिपस्टिक्स लॉन्च हुई थी, उस टाइम पे YouTube बह गया था इसी से, तो मैंने सोचा मैं भी एक बार ट्राई करके देख। दिस इज़ द बॉक्स। इसकी MRP इसमें लिखी हुई है 195 रुपीज़, एंड मेरे को क्योंकि ऑफ पे पड़ा है तो ये 98 रुपीज़ मेरे को ईच लिपस्टिक की पड़ी है। मैंने इसकी 5 लिपस्टिक्स ली हैं। तो सबसे पहले वो, ये आउटर पैकेजिंग है, यहाँ पे आपको शेड नेम मेंशन किया हुआ है, और ये है लिपस्टिक। इस पर यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स, मतलब बॉटल के ऊपर भी आपको दी हुई हैं, ताकि अगर आप जस्ट इन केस ये बॉक्स खो भी दो, तो यू हैव ऑल द डिटेल्स हियर। और एंड पे इसका नेम मेंशन किया हुआ है इसके कोड नंबर के साथ। दिस इज़ Samantha's Fantasy 44। फॉर्मूला में अगर आप बात करो तो ठीक है, ये लिपस्टिक्स मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, मुझे ये लिपस्टिक्स देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, बट जब आई ट्राइड मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दूसरा, स्क्रीन पे जो कलर इसके दिए हुए थे वो नहीं आए थे। मैंने स्क्रीन पे जो न्यूड्स देखे थे अपनी स्किन टोन के हिसाब से, वो न्यूड्स और ज़्यादा लाइट थे आई वुड से, तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत अजीब से लग रहे थे, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। वो ये इस तरीके की लिपस्टिक्स दिखती हैं। इसका एप्लीकेटर आई विल शो यू, दिस इज़ द एप्लीकेटर। और ये अप्लाई भी वन स्वाइप में, मतलब पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है, कलर भी ठीक। जब ड्राई होती है तो एकदम मैट हो जाती है, मतलब बिल्कुल पिगमेंटेशन वगैरह वन स्वाइप में आपको मिलेगा, आपको दोबारा निकालनी नहीं पड़ेगी लिपस्टिक। एक स्वाइप में आप पूरी लिपस्टिक, मतलब एक गो में आप पूरी लिप। ऑल्सो आई एम शोइंग यू ऑल द 5 शेड्स आई ऑर्डर। ये है 15, इट्स वेलवेटी अंडर द ग्राउंड, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत फेड आउट सा कर रहा था। क्रैंकी एंकी, दिस वॉज अ वेरी गुड शेड, लाइक दिस वॉज द फेवरेट ऑफ ऑल द लिपस्टिक्स आई बॉट। शेड है 44XXX मैन। नेक्स्ट लिपस्टिक मैंने परचेज करी है वो है NYB रनवे मैट लिपस्टिक विद आर्गन ऑयल वाली इनकी जो रेंज है। दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक। और इसमें मैंने 3 शेड्स मंगवाए थे, पहला है लिट 17, सॉम्ब्रे 16 और पीक अबू 9। का पिगमेंटेशन यार वन स्वाइप में इतना सही पिगमेंटेशन, प्लस
लुक एट द शेड, आई मीन मैंने कर रखा है, मैं इसका स्वॉच इंसर्ट कर दूंगी। बहुत ही क्लासी पैकेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लग्जूरियस पैकिंग आपको 88 रुपीज़ में मिल रही है। पिगमेंटेशन वाव है इसका। एक शेड अभी मैंने लगा रखा है, आई मीन मैंने दो शेड्स लगा रखे हैं। मैंने 16 सॉम्ब्रे लगाया हुआ है और उसके ऊपर से मैं क्रीमी मैट रेंज की मैंने शेड नंबर 19 को उसके ऊपर से टॉप किया हुआ है। और मैं 9 वाला जो शेड है इसका, उसका मेरे को थोड़ा सा फ्लॉ ये लगा कि वो देखने में ऐसे ब्राउन सा लग रहा था कि बहुत प्यारा सा होगा। दिस इज़ द शेड। और लिप्स पे लगाने पे ना ये एकदम गायब सा हो जाता है, ऐसे लगता है लिप बाम लगा रखा है। तो इसका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है जो एक लिपस्टिक का होना चाहिए। आई वुड से दीज आर नॉट एग्जैक्टली ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक्स, बट हाँ ये इस तरीके से स्मज नहीं होती कि ये आपके पूरे मतलब फैल जाए, आपके लिप्स से बाहर आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ आप जब खाओगे पियोगे उस टाइम पे ये थोड़ी थोड़ी बीच से रिमूव होना स्टार्ट करेगी, मतलब सेंटर से ये ऑम्ब्रे इफेक्ट ला के देगी। आप एक साथ नहीं बाहर आती है, थोड़ा थोड़ा करके आता है, बहुत प्यारा से स्टेन ये छोड़ के जाता है। आई टोटली लाइक द लिपस्टिक, जस्ट दैट इसका शेड मेरे को थोड़ा सा कटका कि उसका पर्पस फुलफिल नहीं हुआ पिकअबू वाला। बाकी द लिपस्टिक्स आर रियली नाइस। पर्पल पे सेल चलती रहती है, कुछ ना कुछ पे ऑफ लगा ही रहता है, तो ट्राई टू परचेज दीज, दीज आर रियली वेरी गुड लिपस्टिक। इसके बाद मैंने परचेज करी है NY Bay की सुपर मैट लिपस्टिक्स। तो इनमें इसमें मैंने दो शेड्स ऑर्डर किए हैं, एक है 19 एक है 9। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, सो इफ़ यू लाइक एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स आप जाके बाय कर सकते हो, डायरेक्ट लिंक दे दूंगी। 19 वाला जो शेड है इट लुक्स लाइक ब्राउन, बट जब ये लिप्स पे आता है ना ये मरूनिश ब्राउन के शेड में आता है, एंड बहुत ही प्यारा शेड है, लाइक बहुत ही ज़्यादा प्यारा शेड है। आई फेल इन लव विद दिस शेड। और इसके बाद ये है 9th शेड, दिस इज अ गुड प्रिटी रेड शेड, वन स्वाइप पिगमेंटेशन। बाकी जब आप इसे लेयर अप करोगे तो ये और प्यारा आता है लिप्स पे ना, ये काफी हद तक ब्रिक रेड के शेड में आता है। मैट हाँ है, थोड़ा थोड़ा करके ये ट्रांसफर होता है, और इसका जो एक्चुअल स्टे रहता है दैट इज़ अराउंड 3 to 4 hours। लास्ट लिपस्टिक मैंने ऑर्डर करी है वो है इनकी क्रीमी मैट रेंज से, सिर्फ एक ही करी थी, दिस इज शेड नंबर 19, एंड इसी की बात मैं कर रही थी। इसको मैंने सॉम्ब्रे 16 के ऊपर टॉप कर रखा है, एंड आईलिड्स पे भी यूज़ करके रखा हुआ है। इसकी भी वन स्वाइप पिगमेंटेशन ये है, बहुत ही प्यारे से ये ग्लाइड ऑन हो जाता है, इसका कलर बहुत अच्छा है, पे ऑफ बहुत ही प्यारा है। स्टेन काफ़ी देर तक रहता है, एकदम से ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है, थोड़ी थोड़ी ट्रांसफ़र होती है, विच आई थिंक इज़ कम्प्लीटली ओके विद मी। चाहे स्टेन इसका बहुत अच्छा है, जब लिपस्टिक फेड ऑफ होती है उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छा सा टिंट छोड़ के जाती है, और लाइक ऑल टुगेदर इट इज़ अ गुड बाय। ऑल ऑफ दीज वर द लिपस्टिक्स आई ऑर्डर्ड। और उसके बाद मैंने एक काजल ऑर्डर किया है विच इज़ NY Bay द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल, और मैंने इन्हीं की ब्राउ पेंसिल भी यूज़ करी है विच इज़ ब्राउ काइल ब्रिज आईब्रो पेंसिल, इट इज़ इन द शेड डार्क ब्राउन। दिस इज़ द आउटर पैकेजिंग। ये है काजल, क्वान्टिटी भी आपको अच्छी खासी मिल रही है। आई टेल यू हाउ मेनी ग्राम्स इट इज़, 0.25 grams। और इसका पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है। आई वोंट से कि ये एकदम खतरनाक वाला ब्लैक है, बट हाँ लॉन्ग लास्टिंग है। आज मैंने ऑर्डर किया है NY Bay का HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर। इसकी भी आउटर पैकेजिंग बिल्कुल लिक्विड लिपस्टिक्स की तरह है। आई एम इन द शेड मिल्क चॉकलेट प्रेडजेल शेड 2, और ये ऐसा दिखता है। भी पिगमेंटेशन काफ़ी है, काफ़ी अच्छे से स्प्रेड भी हो जाता है। आई शो यू, मतलब कंसीलर का जो एक अच्छा वाला काम होता है ना वो ये अच्छे से करता है, भी अच्छा डिसेंट कवरेज देता है। बाकी आप इसको लेयर कर सकते हो और अच्छा कवरेज पाने के लिए। हाँ तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, आई एम इन द शेड गोल्डन, एंड दिस इज़ द की। देन आई परचेज दिस NY Bay प्राइमर, ये भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और काफ़ी अच्छे से स्प्रेड होता है। आई क्वाइट लाइक ये।
इस तरीके का था। बाकी बाद मैंने लास्ट चीज़ जो परचेज करी है दैट इज एन बाई बे की बीबी क्रीम विथ SPF 20 सेज इन्फ्यूज विथ स्किन मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स क्यूक्यूम्बर एंड एलोवेरा एक्टिविटीज इवन स्किन टोन वाटर रेजिस्टेंस ब्लेंड। ये मैंने अपनी मामा के लिए ऑर्डर करी है। आई एम इन द शेड 5 दैट इज वॉर्म हनी। ये भी स्प्रेड बहुत अच्छे से होती है। अगर आपको इसका सेपरेट रिव्यू चाहिए, सिर्फ इसका नहीं, अगर आपको किसी भी चीज़ का सेपरेट रिव्यू चाहिए तो डू कमेंट डाउन बिलो और मेरे को बताइएगा कि आपको किस किस चीज़ का सेपरेट रिव्यू चाहिए। आई वुड लव टू डू इट फॉर यू। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज़ शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट है या कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहते हो प्लीज़ कॉमेंट दिएगा नीचे। आई डेफिनेटली रीड ऑल ऑफ योर कॉमेंट्स एंड आई लव टू रीड दैम यू। मैंने सारी चीज़ों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, तो आपको जो भी चीज़ें पसंद आ रही हों विद द शेड नेम जो मैंने खरीदे हैं मैं उनका डायरेक्ट लिंक आपको दे दूँगी। और मेरी जो खुद की रिकमेंडेशंस हैं लिपस्टिक्स के केस में वो क्रीमी मैट है, सुपर मैट है और आर्गन ऑयल वाली हैं। वो जहाँ तक आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं, बहुत सारे शेड्स उसके आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, तो हरी अप अगर आपको पसंद आई हो तो। आई विल सी यू सून, टिल देन बाय बाय।